गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे मेथड ओवर राइडिंग, मेथड ओवर राइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है? देखो, दो क्लास है आपके पास, मान लेते हैं क्लास ए, और इसको इनहेरिट कर रही है दूसरी क्लास, क्लास बी। ठीक है, तो मेथड ओवरराइडिंग क्या हुआ? सपोज करो बी क्लास में कोई मेथड है, कोई मेथड है बी क्लास के अंदर, और बी जो क्लास है वो आपकी सब क्लास है ना। तो ये तो हो गया आपकी सुपर क्लास, या फिर इसको बोल दो आप बेस क्लास, बेस क्लास भी कह सकते हैं हम। और बी जो क्लास है ये है आपकी सब क्लास, जो कि इनहेरिट हुई है किससे? ए से। मेथड ओवरराइडिंग क्या कहता है? अगर सब क्लास के अंदर, अगर सब क्लास के अंदर कोई मेथड है, सब क्लास के अंदर कोई मेथड है जिसका नाम और सिग्नेचर, टाइप सिग्नेचर, टाइप सिग्नेचर का मतलब क्या है कि भाई जो आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर वो रिसीव कर रहा है या रिटर्न टाइप जो है उसका, वो सेम हो, किसके? कोई मेथड होगा आपका बेस क्लास के अंदर उससे, तो हम कहेंगे कि भाई जो मेथड है सब क्लास के अंदर ये ओवरराइड कर रखा है
बेस क्लास के मेथड में। क्लियर हुई मेरी स्टेटमेंट? मेथड ओवरराइडिंग क्या है कि भाई इनहेरिटेंस का केस है तो सिंपल सी बात है, और ओवरलोडिंग होता है वो आपका सेम क्लास के अंदर होता है, उसमें भी सेम फंक्शन नेम होता है ना, लेकिन उसमें आर्गुमेंट लिस्ट अलग हो सकती है या रिटर्न टाइप आपका वेरी कर सकता, सॉरी रिटर्न टाइप का तो उसमें हुआ ही नहीं, और उन आर्ग्यूमेंट्स का टाइप वेरी कर सकता है। लेकिन मेथड ओवरराइडिंग क्या कहता है कि भाई सेम सिग्नेचर होगा जो सब क्लास के अंदर जो मेथड है उसका, किसके साथ, जो बेस क्लास में मेथड है उसके साथ। तो सब क्लास के मेथड को हम कह देते हैं कि भाई ये मेथड ओवरराइड है। क्या ये स्टेटमेंट क्लियर है मेरी? एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूं कि भाई अपने पास एक मेथड है void display क्लास ए के अंदर, और सेम नाम का मेथड आपके पास है void display सब क्लास के अंदर, तो इस मेथड को हम कहेंगे कि ये ओवरराइड है, इसने ओवरराइड कर दिया किसको, बेस क्लास के मेथड डिस्प्ले को। ठीक है, चलो इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। देखो मान लेते हैं कि भाई अपने पास बेस क्लास है जो, इसके अंदर मैं एक मेथड क्रिएट करता हूं, ये सिस्टम थोड़ा हैंग हो रहा अभी, void डिस्प्ले ये मैंने एक मेथड क्रिएट किया, और इसके अंदर मैं मान लेते हैं कि हम प्रिंट करवाते हैं, ये सिस्टम बार बार हैंग क्यों हो रहा है, प्रिंट एलन, और इसके अंदर मैंने नंबर की वैल्यू प्रिंट करवा दी, नंबर प्लस नंबर। ठीक है, और अब हम ड्राइव्ड क्लास के अंदर आए, ड्राइव्ड क्लास के अंदर मान लेते हैं कि भाई अपने पास एक वेरिएबल है नंबर वन, इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ, वेरिएबल का नाम भी चेंज कर दिया मैंने, और इसके अंदर मान लेते हैं कि भाई डिस्प्ले नाम से अपने पास एक और मेथड है जिसने ओवरराइड कर दिया बेस क्लास के मेथड को डिस्प्ले को, और इसमें हम प्रिंट करवाते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इसको नंबर वन को। ठीक है, नंबर वन, और अब मैं सैंपल इस कलर इसके अंदर आता हूँ, सैंपल जावा के अंदर, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ड्राइव्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, मैं ड्राइव्ड वन जो अपनी क्लास थी उसका मैं कोई यूज नहीं कर रहा हूँ अभी इस प्रोग्राम में, मेरे पास अब दो ही क्लास में यूज करूँगा, बेस क्लास, बेस क्लास देख लो आप, इसके अंदर एक वेरिएबल है नंबर जिसकी वैल्यू है 10, इसके अंदर एक मेथड है डिस्प्ले जिसके थ्रू हम नंबर की वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं, और फिर एक ड्राइव्ड हमने क्लास क्रिएट करी, ड्राइव्ड क्लास आपकी बेस क्लास को इनहेरिट कर रही है, और यहाँ पर हमने नंबर वन की वैल्यू ले ली 20, और डिस्प्ले मेथड क्रिएट कर दिया जो कि सेम नाम है आपका बेस क्लास के अंदर, और अब
मैंने क्या किया, सैंपल क्लास के अंदर ड्राइव्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है, और ड्राइव्ड से मैं डिस्प्ले मेथड को कॉल करता हूँ। तो अब ये क्या आउटपुट देगा मुझे, फटाफट बताओ। ये आपकी बेस क्लास है जिसके अंदर नंबर की वैल्यू 10 है, और ड्राइव्ड क्लास आपकी ये है जिसके अंदर नंबर 1 की वैल्यू 20 है। तो ये क्या प्रिंट करवाएगा? मैंने सैंपल क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ड्राइव का, और डी डॉट डिस्प्ले हमने कॉल कर दिया। किरण शाबाश, बाकी बच्चे पूजा गलत, अंकिता गलत, बेस क्लास देख लो सिमरन। चलो मैं इसको रन करता हूं। देखो आउटपुट देखो, इसने प्रिंट करवाया नंबर 1 इज इक्वल टू 20, सिर्फ एक बच्चे का, ठीक है, वेरी गुड किरण। अब देखो बेस क्लास है ये अपनी बेस क्लास, और इसके अंदर डिस्प्ले आपका मेथड है, और नंबर आपका एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है, ठीक। फिर अपने पास एक ड्राइव्ड क्लास आती है, डिराइव्ड क्लास। अब आपने इसको इनहेरिट किया है बेस क्लास को, तो जो मेंबर इसके है वो आपके ड्राइव क्लास के अंदर भी आ जाएंगे। तो नंबर इसकी वैल्यू 10, इसका खुद का लोकल वेरिएबल नंबर 1 इसकी वैल्यू 20, और डिस्प्ले मेथड एक तो इनहेरिट को क्या है इसके पास डिस्प्ले है ना, एक इसका खुद का डिस्प्ले मेथड है। ये सारे इसके मेंबर हो गए ड्राइव क्लास के, ऑब्वियस बात है क्योंकि हमने इनहेरिट कर लिया उसको। अब देखो जब मैं इसको रन करता हूं तो ये क्या करेगा, अब जो इसने बेस क्लास से इनहेरिट किया मेथड, ऑब्वियस बात है वो भी डिराइव्ड क्लास का मेंबर है, लेकिन फिर भी उसने अपना ड्राइव्ड क्लास का मेथड डिस्प्ले कॉल किया है, समझ रहे हो ये बात। उसने बेस क्लास का जो इनहेरिट हो गया है वो कॉल नहीं किया, उसने अपना ही ड्राइव्ड फंक्शन कॉल किया है। तो जब हम ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो अपना ही डिस्प्ले मेथड है, यहाँ पर जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर डिस्प्ले है मेथड का नाम, तो वो खुद का मेथड कॉल करेगा, ना कि बेस क्लास से जो इनहेरिट हो जाएगा। क्लियर है ये स्टेटमेंट? अब देखो मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूं। सपोज करो मैं इसको डिलीट कर देता हूं, डिस्प्ले मेथड है जो मैंने ड्राइव के अंदर उसको डिलीट कर दिया। अब ड्राइव के अंदर अपने पास एक वेरिएबल है सिर्फ नंबर 1 जिसकी वैल्यू है 20, और बेस क्लास के अंदर नंबर और डिस्प्ले मेथड अपने पास है। अब मैं इसको रन करता हूं तो मुझे क्या आउटपुट मिलनी चाहिए, मुझे फटाफट बताओ 10 सेकंड के अंदर। अगर मैं इसको रन करता हूं तो मुझे क्या आउटपुट मिलनी चाहिए,
नेटवर्क का इशू हो सकता है बच्चों। मैं कह रहा हूं बच्चों कि अगर मैंने ड्राइव्ड क्लास में जो डिस्प्ले मेथड था उसको डिलीट कर दिया, ठीक है, और अपने पास बेस क्लास में ही एक डिस्प्ले मेथड है, और मैं ड्राइव्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं और डिस्प्ले मेथड कॉल करता हूं, तो मुझे क्या आउटपुट मिलनी चाहिए? देखो मैं इसको रन करता हूं, अब मुझे आउटपुट मिली नंबर 10 किरण अंकिता सावास। अब यहां पर ये चीज देखो, पिछले केस में क्या था, अपने पास बेस क्लास थी, बेस के अंदर नंबर था और जिसकी वैल्यू 10 थी, डिस्प्ले मेथड था। अब हमने डिराइव्ड क्लास क्रिएट करी, एक डिराइव्ड, इसके अंदर क्या है, नंबर 1, और इसके पास कुछ नहीं है, लेकिन ये इनहेरिट करिए बेस क्लास को, तो जो मेंबर आपके बेस क्लास के हैं वो भी मेंबर तो ड्राइव क्लास के हो जाएंगे, तो नंबर इसकी वैल्यू जो 10 थी ये भी इसका मेंबर है, डिस्प्ले मेथड था वो भी इसके पास आ गया, है ना। और अब मैं जब ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ और डिस्प्ले मेथड को कॉल करूंगा, तो वो बेस क्लास वाला डिस्प्ले मेथड कॉल करेगा। पिछले केस में क्या था, उसके पास दोनों डिस्प्ले थे, लेकिन उसने कॉल किसका किया, अपना खुद का, लेकिन इस केस में उसने कॉल कौन सा किया, बेस क्लास का। ये डिफरेंस क्लियर हुआ, जब उसके पास खुद का नहीं है तो वो बेस क्लास का जो मेथड है उसको ले लिया, जब उसके पास खुद का है तो वो अपना ही कॉल करेगा। क्लियर है ये बात? ये मैं डिस्प्ले मेथड ड्राइव क्लास के अंदर दोबारा ले आता हूं। अब सपोज करो मैंने डिस्प्ले मेथड कॉल करना है बेस क्लास का, तो वो मैं कैसे कर सकता हूं? यहां पर मैं सुपर कीवर्ड यूज कर लूंगा, सुपर डॉट डिस्प्ले, अगर मुझे ड्राइव में से उसको कॉल करना है। सुपर किसको रेफर करता है? पेरेंट क्लास को, अपने उसकी जिस क्लास को उसने इनहेरिट किया है उस क्लास को सुपर रेफर करता है हमेशा। आपने पिछले लेक्चर में देखा होगा वेरिएबल मेथड अगर उसके यूज करने का कंस्ट्रक्टर यूज करना है तो हम सुपर यूज कर रहे थे, है ना, तो सुपर हमेशा अपने पेरेंट को रेफर करता है। अब यहां पर अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो मुझे आउटपुट क्या मिलनी चाहिए, मुझे फटाफट बताओ। किरण सावास, मानसी सावास, स्वीटी गलत, अंकिता ठीक है, काजल ठीक है, चलो मैं इसको रन करता हूं। देखो इसने मुझे आउटपुट क्या दी, नंबर जिसकी वैल्यू 10 है और नंबर 1 उसकी वैल्यू 20 है, है ना। क्यों दी इसने मुझे ये आउटपुट, चलो इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं। मेन क्लास से स्टार्ट किया हमने, ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और डिस्प्ले मेथड को कॉल कर दिया। ये स्टेटमेंट क्या करेगी, ड्राइव्ड क्लास में जहां पर भी डिस्प्ले है उसके ऊपर ले आएगी,
और हम इस लाइन पर आ गए। अब इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले उसको क्या मिला, सुपर डॉट डिस्प्ले। सुपर किसको रेफर करता है, अपने पापा को, मतलब अपने पेरेंट को, ठीक है। तो इसके बाद कंट्रोल कहाँ जाएगा, बेस क्लास के अंदर, बेस क्लास पे आ गया भाई। अब बेस क्लास में जहाँ उसको डिस्प्ले मेथड मिला, ये उसको एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। तो इसलिए इसने सबसे पहले नंबर जिसकी वैल्यू 10 है वो प्रिंट करवाई, क्योंकि यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट लगा रखी है हमने। ये फंक्शन जब अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर देगा तो कंट्रोल वापस जाएगा जहां से इसने कॉल किया है। कॉल कहाँ से किया था, ड्राइव्ड क्लास में, डिस्प्ले मेथड में से, है ना। अब ये स्टेटमेंट जो आपकी सुपर डॉट डिस्प्ले, ये इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आए, यहाँ पर हम नंबर 1 की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं, 20। तो इसने यहाँ पर 20 प्रिंट करवा दी। सबको क्लियर है ये चीज, चलो थोड़ा सा चेंज और करते हैं प्रोग्राम में। इसी जैसे मैं सीक्वेंस में बताता रहता हूँ कि भाई ये चीज चेंज कर लिए एक एक स्टेप में, इसी तरीके से समझ लो उस चीज को, तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए। तो सैंपल क्लास में हमने क्या किया था, ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया था और डी डॉट डिस्प्ले हमने मेथड कॉल कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, चलो तो ये सुपर स्टेटमेंट है, इसको हटा दिया मैंने, सुपर स्टेटमेंट हटा दिया। और अब मैं सैंपल जो अपनी क्लास थी उसके अंदर थोड़ा सा चेंज लाता हूँ। चेंज क्या लाता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेस। चलो ऐसे नहीं लिखते इसको, हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। इसको लिखता हूं मैं डिराइव्ड, मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ D1, ठीक है। और इसमें लिख देता हूं मैं न्यू बेस, देखो एरर क्या आया, एड कास्ट टू ड्राइव, मिसमैच आया ना, टाइप मिसमैच। आप यहाँ पर मेमोरी एलोकेट कर रहे हो बेस को, लेकिन यहाँ टाइप क्या लिखा हुआ है, ड्राइव। तो इसलिए इसने एरर क्या दिया, ये पहली लाइन पढ़ो, टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट बेस टू ड्राइव। बेस को आप ड्राइव में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं इस ड्राइव को चेंज कर देता हूँ और इसका नाम दे देता हूं मैं बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। और अब क्या करता हूं मैं, अब मैं डी डो डी के अंदर वैल्यू डाल देता हूं बी की, देखो एरर क्या आया, टाइप मिसमैच। यहाँ कह रहा है कि भी हम आप कन्वर्ट नहीं कर सकते बेस को ड्राइव के अंदर। तो उसका सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, सपोज करो मैं ड्राइव का एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ D1, ठीक है। और
यहाँ पर हम करेंगे, ये एरर अभी है, चेंज टाइप ऑफ डी टू बी एस, चेंज टाइप ऑफ डी टू ड्राइव। अगर हम ये करते हैं तो ये गलत होगा। एक सेकंड बच्चों, ड्राइव डी वन, मैंने क्या किया, डिराइव्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया और बेस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। और यहां पर क्या किया, इस स्टेटमेंट पर देखो, मैंने बेस क्लास का एक वेरिएबल क्रिएट किया है बी वन। जब मैं ये लिखता हूं बेस बी वन, इसका मतलब क्या है, आपने रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर दिया लेकिन उसको कोई मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो जब हम ये लिखेंगे न्यू बेस तब क्रिएट होगा, है ना। तो अभी ये सिर्फ एक रेफरेंस वेरिएबल है, मैंने बेस क्लास का एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर दिया। और उसके बाद मैंने कॉल किया डी डॉट डिस्प्ले, और B1 के अंदर D लिख दिया। इसका मतलब क्या, D क्या है, ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट। अब ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट था तो यहां पर क्या था, नंबर वन एक वेरिएबल था, नंबर वन ये किसी मेमोरी को पॉइंट कर रहा है D, है ना। और जब मैंने लिखा B1 इज इक्वल टू D, तो अब क्या है, जो B1 है वो भी सेम मेमोरी को पॉइंट कर रहा है ना। ये टॉपिक वैसे मैं पहले करवा चुका हूं इस टाइप का, जब हमने क्लासेज ऑब्जेक्ट के बारे में बात करी थी उस टाइम मैंने बताया था कि भाई कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है आपका। अब मैं यहाँ थोड़ा सा एक स्टेटमेंट और लिख देता हूं, मान लिया मैं लिखता हूं बी वन डॉट, इसको बंद कर देते हैं, डिस्प्ले। अब इसकी आउटपुट देखना, मैंने डिस्प्ले मेथड दो बार कॉल किया है, एक बार आपका इस स्टेटमेंट पर कॉल हुआ है डी डॉट डिस्प्ले, और एक बार आपका बी वन डॉट डिस्प्ले हमने कॉल किया है। अब हम इसकी देखेंगे कि आउटपुट क्या आएगी। मैं इसको रन करता हूं, इसने मुझे आउटपुट दी नंबर 120, नंबर 120 क्यों दी, क्योंकि जो मेरा ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट था डी वो किसी मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, ये मान लिया ये मेमोरी है इसको वो पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और मैंने क्या किया उसके बाद, बेस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर मैंने बेस क्लास का एक रेफरेंस वेरिएबल बी वन क्रिएट किया और जिसके अंदर मैंने D डाल दिया। इसका मतलब क्या, B1 भी सेम मेमोरी को पॉइंट कर रहा है ना। अब दोनों सेम ऑब्जेक्ट हो गए तो आपकी जो आउटपुट है वो भी तो सेम ही आएगी, सेम मेथड कॉल कर रहे हो आप, क्यों, ये बात क्लियर है, फिर मैं नेक्स्ट बताऊंगा। चलो अब मैं इसमें एक स्टेटमेंट और ऐड करता हूं, मैं स्टेटमेंट क्या ऐड करता हूं, मैं लिखता हूं b1 इज इक्वल टू b और b1 डॉट डिस्प्ले मैं मेथड कॉल करता हूं। अब मुझे आउटपुट क्या मिलनी चाहिए, मैं इसको रन करता हूं, देखो
अब इसने मुझे आउटपुट क्या दी, नंबर 120, नंबर 120 और नंबर 10 क्यों दी? सबसे पहले हमने ड्राइव्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जो इस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, बेस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जो किसी दूसरी मेमोरी को पॉइंट कर रहा है। अब शुरू में मैंने क्या लिखा था, b1 इज इक्वल टू d, तो b1 भी सेम मेमोरी को पॉइंट कर रहा है। अब दोनों ने जब सेम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सॉरी डिस्प्ले मेथड कॉल किया, तो इन्होंने सेम वैल्यू प्रिंट करवाई। उसके बाद मैंने क्या किया, b1 को जो पहले d को पॉइंट कर रहा था, अब मैंने उसको चे हटा के उसको रेफर करवा दिया b से। अब b1 भी सेम मेमोरी को पॉइंट कर रहा जिसको b कर रहा था, है ना। अब b.display अगर मैं कॉल करूंगा, ये तो बेस क्लास का डिस्प्ले कॉल होगा, है ना। बेस क्लास में क्या है आपका, बेस क्लास में नंबर की वैल्यू 10 है, इसलिए जो आपकी लास्ट वैल्यू प्रिंट हुई इसकी वैल्यू 10 प्रिंट हुई। क्लियर है? अब सपोज करो मैं ये डिस्प्ले मेथड यहां से रिमूव कर देता हूं, मैं ये डिस्प्ले मेथड यहां से हटा देता हूं, ठीक है, ये मैंने हटा दिया। अब देखो, अब इसने एरर पॉइंट करना शुरू कर दिया b1.display और b1.display इन दोनों स्टेटमेंट पे। अब सपोज करो मैं लास्ट लाइन हटा देता हूं, अब इस चीज को दोबारा समझो, 5 मिनट पड़ी है, ध्यान देना, ये कंप्लीट हो जाएगा। आपका एक डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट था जो किसी मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, बेस क्लास का एक ऑब्जेक्ट था जो किसी दूसरी मेमोरी को पॉइंट कर रहा है। b1 हमने एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर लिया, और डी डॉट डिस्प्ले हमने मेथड कॉल करा था, और उसने डिस्प्ले का जो मेथड है वो सॉरी डिराइव्ड क्लास का जो मेथड है डिस्प्ले, उसको कॉल कर दिया। अब मैंने क्या किया, b1 जो हमारा रेफरेंस वेरिएबल था उसमें d रख दिया, तो ये क्या हुआ, ये भी पॉइंट कर रहा है डी ऑब्जेक्ट को, जहां डी का मेमोरी एलोकेट थी सेम मेमोरी को ये b1 भी पॉइंट कर रहा है। लेकिन जो नेक्स्ट स्टेटमेंट अपनी b1.display, इस पे एरर क्यों आया? हमने तो बेस क्लास का जो डिस्प्ले मेथड था वो डिलीट किया है, डिराइव्ड क्लास के अंदर तो आपका मेथड है, देखो यहां पर डिस्प्ले मेथड है, लेकिन बेस क्लास का डिस्प्ले हमने रिमूव कर दिया, फिर क्यों एरर आया? क्योंकि जो बी वन आपने रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया है और उसको हमने डी का एड्रेस दे दिया इस स्टेटमेंट पर। देखो अब डी और बी वन दोनों सेम को तो पॉइंट कर रहे हैं, लेकिन उसने ये चीज देखो एक बार, इस स्टेटमेंट पर तो एरर नहीं दिया डी डॉट डिस्प्ले पर, लेकिन b1.display पर एरर दे दिया, ऐसा क्यों? ये चीज समझ में आई, प्रॉब्लम क्या ही है कि पहली स्टेटमेंट पर एरर है नहीं है, दूसरी पर एरर है, क्यों आया? ये क्वेश्चन क्लियर है? होता क्या है, जब आप बेस क्लास का रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करते हो और उसको मेमोरी एलोकेट किसी करा तो ड्राइव क्लास की, और फिर बेशक आप ड्राइव क्लास का मेथड कॉल करना चाहो, डी डॉट डिस्प्ले जैसे मेथड कॉल करना चाह रहे हो, ये एग्जीक्यूट तो करेगा डिस्प्ले क्लास के मेथड को, पिछले केस में देखा था ना हमने,
नंबर वन इज इक्वल टू 20 प्रिंट करवाया था उसने, उसने एग्जीक्यूट तो किया था ड्राइव्ड क्लास के मेथड को, लेकिन कंपाइल टाइम पर वो अपने बेस क्लास के अंदर डिस्प्ले मेथड को देखता है कि वहां डिस्प्ले मेथड है या नहीं है। अगर वहां डिस्प्ले मेथड को कंपाइल टाइम पर नहीं मिलता है तो वो एरर दे देगा। वो एग्जीक्यूट तो ड्राइव्ड का करेगा, जो रन टाइम पर ड्राइव का करेगा, लेकिन कंपाइल टाइम पर चेक करेगा आपका बेस क्लास के अंदर कि भाई वो मेथड बेस क्लास के अंदर है या नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं डायनामिक मेथड डिस्पैच, डायनामिक मेथड डिस्पैच मतलब रन टाइम पर आपको ये पता चल रहा है, डायनामिक रन टाइम पे पता चल रहा है कि भाई हमने एग्जीक्यूट कौन सा करना है, लेकिन कंपाइल टाइम पर किसको चेक कर रहा है वो, अपनी खुद की क्लास के अंदर। अब अगर मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर मैं डिस्प्ले मेथड दोबारा ले आया, ठीक है, डिस्प्ले मेथड में दोबारा ले आया, अब देखो ये एरर हट गया ना, B1 डॉट डिस्प्ले पे जो एरर था वो एरर हट गया, क्योंकि कंपाइल टाइम पर ये जब आप जो इक्लिप्स है ये ऑटोमेटिक कंपाइल कर लेता है, ये देख लेता है कि भी कहाँ एरर है, इसलिए एरर का आपको अलग से कंपाइल करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा रन कर रहे हैं, नोटपैड में हम कंपाइल करते थे, है ना। तो यहां पर उसको जैसे ही डिस्प्ले देखा, बेस क्लास के अंदर डिस्प्ले है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं इसको रन करूंगा। अब रन करने पे ये ड्राइव क्लास का डिस्प्ले मेथड कॉल कर रहा है, क्योंकि नंबर वन आपका ड्राइव में है, जो वेरिएबल है नंबर वन आउटपुट देखो तो वो ड्राइव के अंदर मिला है, कंपाइल टाइम पर चेक कर रहा है किसको, बेस क्लास को, बेस क्लास में ये मेथड है या नहीं है। आपको ये चीज क्लियर हुई? फटाफट बताओ, 1 मिनट भी नहीं बची हुई है, कल जावा का लेक्चर करेंगे, संडे है कल, जावा का लेक्चर होगा, अगर नहीं होता इन केस तो मैं मैसेज कर दूंगा, अदरवाइज कल जावा का लेक्चर है सेम टाइम। सर टाइमिंग यही रहेगी? सेम टाइम ओके सर।